दोस्तों अभी हम वहाँ पहुँचे हैं, दिस इज पिक्सी सी रिजॉर्ट है और यहाँ का गेट वगैरह बंद किया हुआ है, शायद इन लोग के यहाँ गेस्ट ज़्यादा हो गया इसके लिए। जैसे फुल पार्किंग होती है वैसे ही फुल गेस्ट के हिसाब से ये गेट बंद किया हुआ है। हम लोग ट्राई करेंगे पीछे वाले गेट से, अगर वहाँ जाने मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं जाने मिलता है तो हम इसके बाद में हम यहाँ से, इसके बगल में एक सन बीच रिसोर्ट है, इससे वाकई अच्छा है और कुछ अलग चीज़ है इससे भी, ये भी अपने आप में एक अलग चीज़ है। लोग यहाँ बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे लोग हैं एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा जाएंगे ये कच्ची कैरी और अंगावी खाने के लिए। कैरी चाट डे है, कैरी चाट बनाओ भाई हमारे लिए भी। और कितने का है कैरी चाट? कैरी चाट 40 का प्लेट है, 50 का। अरे इतना है कैरी चाट? क्या बात। चना मसाला चना जोड़ लोगे तो 30 का प्लेट आएगा, काकड़ी भी 30 का प्लेट आएगा, खाली कैरी थोड़ा महंगा रहेगा। अभी हम पहुंच गए हैं पिक्सी सी रिसोर्ट, ये गोराई में है, ये दूसरा रिसोर्ट है, बहुत बेहतरीन है ये, जो हम पहले सोचा था कि नहीं देख पाएंगे बट ये देखने मिल रहा है क्योंकि यहाँ से एंट्री हो गई है। क्यों भाई वॉचमैन जी कैसे हो, जरा ये पिक्सी रिसोर्ट के बारे में बताइए। हाँ बताइए भाई, क्या नाम है आपका? कन्हैया चौधरी। कैसा है रिसोर्ट है? ये बहुत मस्त है, एकदम गार्डन उडन जैसा पूरा दिख रहे है, बहुत मस्त है। ये कन्हैया भाई ने बताया है कि ये बहुत अच्छा है, जाइए आपके गेट पर गाड़ी आ रही है। धन्यवाद कन्हैया भाई, ये रहने के लिए एक अच्छी अच्छी जगह है जो फैमिली के साथ में आके भी रह सकते हैं। ये रेस्टोरेंट एरिया है, कार पार्किंग, देखो ये एक मचान टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। मचान देखिए, मचान का क्या मज़ा है, ऊपर से बैठ के व्यू बहुत अच्छा है। क्यों मानो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जगह भी काफ़ी है, कितने भी भीड़ हो जाए लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ जगह मिल जाती है। सर्विस भी ठीक ठाक है और फूड तो अच्छा है ही यहाँ। ये इनका किचन एरिया, ये आजकल एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ है, पुष्पा झुकेगा नहीं पुष्पा, ये डायलॉग भी बहुत फेमस है। ये हम लोग पिक्सी रिसोर्ट के ऊपर से आपको ये सी व्यू दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बीच भी अपने आप में एक कहते हैं कि बहुत अच्छा बीच है और बहुत कोने में बीच है, इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं है। जब हम लोग तकरीबन 10-12 साल पहले आए थे, शायद 15 साल पहले, तब बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी के कारण लोग यहाँ आने लग गए हैं। फिर यहीं से हम लोग सन बीच रिसोर्ट में जाएंगे, यहाँ कुछ रश भी है और आपको वादा किया था दिखाने के लिए तो दिखा दिए। और ये तकरीबन हम लोग 2 हफ्ते पहले आए थे लेकिन यहाँ आ नहीं पाए थे, अभी वापस से आए आप लोगों की डिमांड पे कि दिखाना है रिसोर्ट दिखा दिया। चलिए गया। देखो सचमुच ये सब पुराने बचपन की यादें थी जो आ गई है। झूला झूलना अपने आप में एक मजेदार अनुभव है। अभी बहुत से म्यूनिसिपल गार्डन में क्योंकि बच्चों लोगों के लिए रहता है, या हम लोगों ने चांस मार लिया, इसके लिए एंजॉय किए, थैंक यू, मज़ा आया। अभी हमने ये पिक्सी सी रिसोर्ट का पूरा एक चक्कर लगा करके आपको दिखा दिया, क्या क्या किस कोने में कैसे लोग एंजॉय करते हैं। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सन बीच रिसोर्ट और आज का ये पिक्सी रिसोर्ट का ब्लॉग यही हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखिए जिसमें आपको सन बीच रिसोर्ट का मज़ा आएगा और वो भी इससे एक से एक बढ़ के यहाँ रिसोर्ट है। आप एंजॉय कीजिए और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये हमारा चैनल आ रहा है। हम लोग सचमुच एंजॉय कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, देखिए। और ये मेरी बहन है जो आती नहीं है कैमरा के सामने। ये हाँ, ये BTS की बहुत बड़ी फैन है। ये आइए आइए। मैं तो पूरा दिन खड़ा रहेगा। हाँ ठीक है, बोलो। मैं वहाँ से आ रहा हूँ। क्या बात है, चला आ जा। क्या कैरी चाट चाहिए ना? हाँ पक्का। और कैरी चाट और चना मिक्स नहीं कर सकते? ठीक है आई बस ना, अभी का इधर से तो ठीक है ना, इतना डिटेल में थोड़ी। नहीं नहीं फिर भी दिख रहा है बरोबर। हाँ हाँ बाल सही है। हाँ हाँ कैमरामैन रविश के साथ। हाँ